अच्छा, सबसे पहले ना हमारे पास ग्राइंडर, इंडस्ट्री में ग्राइंडर इस्तेमाल होता है। ग्राइंडर एक हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिशनर है, एक हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर है, उसने ग्राइंडर सेफ्टी में क्या चीज़ें चेक करनी है। ठीक है, सबसे पहले बेसिक चीज़ आप इसका प्लग चेक करेंगे, इसका सेप्टिकल जो है वो बिल्कुल ठीक है, डैमेज तो नहीं है। ठीक है, ये इसके थ्री शू है बीच में, ये तो टूटा हुआ नहीं है, और इसकी बॉडी जो है ऊपर से डैमेज तो नहीं है, इसकी इंसुलेशन यहाँ से डैमेज तो नहीं है। पूरी वायर की जो है इंसुलेशन हम चेक करेंगे कि वायर की कहीं से इंसुलेशन ख़राब ना हो, डैमेज ना हो, वायर नंगी ना हो, किसी को करंट ना लगे। ठीक है, उसके बाद आप इसको लेके आते हैं ग्राइंडर को। सबसे पहले कि ये इसका जो है, ये इसका जो कनेक्शन है ये बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, कनेक्शन टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, वायर नंगी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। यहाँ से वायर नंगी होती है, थोड़ा सा खिंचाव आता है जैसे ही, तो वो वायर नंगी हो जाती है, इंसुलेशन पीछे से हट जाती है। ठीक है, उसके बाद आपने इसकी कंप्लीट जो है बॉडी चेक करनी है। ग्राइंडर बड़ी बहुत सारी किस्म के होते हैं, पेंसिल ग्राइंडर है आपका इंडस्ट्री में, बेबी ग्राइंडर है, पावर ग्राइंडर है, जो है बेंच ग्राइंडर है, उसके बाद ये एंगल ग्राइंडर है। ठीक है, उसकी बॉडी देख लेनी है ऊपर से बाकायदा से कि बॉडी इसकी ठीक है, कहीं से डैमेज तो नहीं है। ऊपर कुछ ये इन्होंने ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है, स्पेस दी हुई है जहाँ से हवा का क्रॉस होता है। ठीक है, अगर इसमें यानी कि ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है तो यहाँ से उसका अखराज हो, लेकिन बॉडी कहीं और से टूटी भी नहीं होनी चाहिए। ये स्पेशल डिज़ाइन किया गया है इसको। उसके बाद इसके ऊपर जो लेबल होता है इसका, उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं, सेफ्टी प्रिकॉशन लिखे होते हैं, वो इसके कंप्लीट हैं और इसको कैसे हमने चलाना है। उसके बाद इसका जो है ये आ जाता है हैंडल, लीवर आ जाता है इसका। ठीक है, जैसे इसको ग्रिप करते हैं, ये इसका लूज नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, इसका कनेक्शन बिल्कुल मजबूत हो, वो ना हो आप पावर से पकड़ के चला रहे हैं तो ये आपके हाथ में आ जाए। ठीक है, ऐसा नहीं बहुत बड़े एक्सीडेंट का जो है ना ये बायस बनता है, ये इसकी बेसिक ग्रिप है। ठीक है, बेसिक ग्रिप है, बेसिक ग्रिप जो है बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, और इसकी दोनों साइड पे आप इसका कनेक्शन कर सकते हैं, जो आपका वहाँ पे एंगल बन रहा है, आपने ग्राइंडिंग करनी है, आपका एंगल बन रहा है, उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका जो है ये लॉक सिस्टम है। ठीक है, इसका पॉजिटिव मैकेनिज्म जो है आपने वो ख़त्म करना है। ये देखें, ये हम जो इसको पुल करते हैं तो ये लॉक हो जाता है, ये लॉक नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि काम कर रहे हैं, ये लॉक है तो कहीं से ग्राइंडर हाथ से निकल जाता है तो ये तो चलता रहेगा, मतलब कि इसका पॉजिटिव जो मैकेनिज्म है वो ख़त्म कर देना है। आप इसको दबाएं तो ये चले, जैसे ही हाथ उठे यहाँ से तो ये बंद हो जाए। ठीक है, ये आपके हाथ के साथ इसका कनेक्शन होना चाहिए, इसमें ये पॉजिटिव मैकेनिज्म होता है, लेकिन आपने इसको ख़त्म करना है, ये सेफ्टी रूल के खिलाफ है, सेफ्टी इसको नहीं मानती, वो कहते हैं इसको पॉजिटिव मैकेनिज्म इसका ख़त्म कर दे। सही है, उसके बाद इसकी जो है ये डिस्क आ जाती है, डिस्क आ जाती है, आपने चेक करना है इसमें कौन सी है, ग्राइंडर डिस्क लगानी है, कटिंग डिस्क लगानी है, अगर कटिंग डिस्क है तो उससे कटिंग ही करनी है। देखें जो कटिंग डिस्क है ना ये बिल्कुल सेम होता है इसका डाया। ठीक है, इसकी मोटाई थिकनेस जो है बिल्कुल सेम होती है, जो ग्राइंडिंग डिस्क होगी वो आगे से मोटी होगी, इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। ठीक है, जो कटिंग डिस्क है समटाइम लोग ऐसे करते हैं, कटिंग कर रहे होते हैं, थोड़ी सी ग्राइंडिंग आ गई तो उसी से ग्राइंडिंग करना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं है। ग्राइंडिंग करेंगे इसकी थिकनेस कम हो जाएगी, फिर दोबारा जब इससे कटिंग करेंगे तो ये टूट जाएगी डिस्क। आपने कटिंग वाली डिस्क से कटिंग करवानी है, और जो है ग्राइंडिंग डिस्क है उससे ग्राइंडिंग ही हो, और जो डिस्क है बड़े ग्राइंडर की छोटे ग्राइंडर को नहीं लगा देनी, छोटे ग्राइंडर की बड़े ग्राइंडर को नहीं लगा देनी, जो एक्चुअल उसका साइज है वो ही लगानी है। अगर डिस्क के इसके आरपीएम होते हैं, ग्राइंडर के ना आरपीएम है, ठीक है, रोटेशन पर मिनट है, एक मिनट में 6585 जो है वो जो छोटा ग्राइंडर है उसके 8500 होते हैं, इसके 6500 जो है ना आरपीएम है, समझ आ गई है। अब ये डिस्क है इसके आरपीएम भी जो है 6500 ही होने चाहिए, मतलब कि डिस्क के जो आरपीएम है वो कुछ ग्राइंडर से ज़्यादा ही होते हैं, 200-300 आरपीएम 500 आरपीएम ज़्यादा रखा जाता है ताकि सेफ्टी मार्जिन हो। ठीक है, अगर इसके आरपीएम 6500 है और डिस्क के आरपीएम है जो वो 5000 है तो ये तो ज़्यादा तेज़ी से घुमाएगा ग्राइंडर, लेकिन डिस्क की इतनी जो है वो नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, तो डिस्क टूट जाएगी। ठीक है, कि बड़े ग्राइंडर को आपने उससे बड़ी जो है डिस्क नहीं लगानी। ठीक है, छोटी डिस्क जितनी होगी उसके आरपीएम उतने ज़्यादा होंगे, बड़ी डिस्क होगी उसके आरपीएम कम होंगे। ठीक है, आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। और उसके बाद इसको पोजीशन में कैसे लेना है, सेफ्टी प्रिकॉशंस है, जो बंदा इसको ग्राइंडर को यूज़ करता है वो प्रॉपर जो है अपने ग्लव्स पहने, लेदर ग्लव्स हैं उसके, कट रेजिस्टेंस ग्लव्स हैं वो पहने, उसके बाद फेस शील्ड है उसकी,
वो इस्तेमाल करे, कवर ऑल है, सेफ्टी शूज़ हैं, हेलमेट है, हर चीज़ जो है वो यूज़ करके फिर इसको इस्तेमाल करेगा। और इसके स्पार्क हैं वो एक यानी कि लोहे का कचरा ही होता है, ठीक है, लोहे के स्पार्क होते हैं वो छोटे छोटे जो जाते हैं, आपने अपनी पोजीशन ठीक करनी है वो किस तरफ जा रहे हैं, उसके बाद आपके ये जो स्पार्क हैं और इसकी पोजीशन बड़ी मैटर करती है। समटाइम लोग है अपने जो इक्विपमेंट है उसको सही नहीं रखते, ठीक है, उसको ग्रिप नहीं करते, ऐसे ही कोई पाइप पड़ा हुआ है वो लूज़ है, कोई टुकड़ा है छोटा सा 5 फीट का, ऐसे ग्राइंड करना शुरू कर देते हैं, या तो वो ग्राइंडर जो है स्लिप होके लगेगा या पाइप स्लिप हो जाता है समटाइम, ठीक है, वो हमारे लिए क्या है, नुकसान का बायस है। उसको पहले ग्रिप करें, जो इक्विपमेंट है वो ग्रिप में हो, हिले ना, फिर उसके बाद उसकी कटिंग करना शुरू करें, समझ आई है। ऐसे आपको समटाइम ऐसा होता है कि टांग बिल्कुल करीब होती है, हम टांग बिल्कुल करीब रख के कटिंग कर रहे होते हैं, जब ये हम कटिंग कर रहे होते हैं समटाइम ग्राइंडर की डिस्क फंसती भी है, थोड़ा सा झटका लेती है, अगर आपकी टांग पास है कोई इस तरह का अज़ा है जिस्म का तो कट लग जाएगा। अपना सेफ डिस्टेंस रखना है, कम अज़ कम थोड़ा सा दूर हाथों को रख के आपने इसकी कटिंग करनी है, कटिंग करनी है। समटाइम हम करते हैं ये कोई खाली ड्रम हो गए केमिकल के इस तरह की चीज़ है, उसको इंडस्ट्रीज में बड़ा देखा गया, उसको उसकी कटिंग करते वक्त नहीं देखते कि ये फुल है या खाली है, या फिर बाजू का खाली भी होता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल रह जाता है, जैसे कटिंग करते हैं वो आग के चिंगारे अंदर जाते हैं तो एकदम से आग लग जाती है, तो ये क्या है, ये भी आग ही उगलता है, समझ आ गई है, ये भी आग ही उगलता है। आपने इसका इस्तेमाल करना है बड़े अच्छे एंगल के साथ, आपने इसका इस्तेमाल करना है, हाइट पे करना है तो ये और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, हाइट पे आप लोगों ने अपने आप को भी सेफ रखना है और इसको भी पकड़ के चलाना है, इसकी बड़ी पावर है, अच्छी खासी इसकी जो है पावर है, ग्रिप करने में इसको थोड़ी मुश्किल होती है, बंदा थक जाता है, जो बंदा एक बार इसको कम अज़ कम 15-20 दिन लगातार यूज़ करे वो कम अज़ कम जो है ना उसके बाजू उस एंगल पर सेट होते हैं, बंदा थक जाता है, देख रहे हो आप कोई बंदा काम कर रहा है वो थक गया है या पोजीशन ठीक नहीं हो रही, उसे रोक दो, उसे कोई यार सांस ले लो, दो एक आधे मिनट का सांस लेके दोबारा से शुरू कर लो, ठीक है, इसकी पोजीशन। और ये ग्राइंडर हमेशा अपनी बॉडी के इक्वल चलाया जाता है, ऐसे ऊपर नहीं चलाओगे, ऊपर चलाओगे तो अगर वहाँ से कुछ स्लिप होता है, एक तो ग्रिप जो है ना वो नहीं रहती जो आप बॉडी के पास है, ऊपर चलाओगे अगर वहाँ हाथ से निकलता है स्लिप होता है ऊपर आएगा सीधा, तो क्या करना है कि अपनी बॉडी के बिल्कुल इक्वल रख के चलाना है, ज़्यादा ऊपर रख के नहीं चलाना, पोजीशन अपनी ठीक लेनी है, पोजीशन अच्छी होगी तो काम भी अच्छा होगा, ठीक है। ये ग्राइंडर की बेसिक चीज़ें हैं और आपने जब भी इसकी डिस्क को चेंज करना है, ठीक है, बड़ी चीज़ें हैं ये, लोगों को अवेयरनेस नहीं है इतनी, लोगों ने जब भी इसकी डिस्क चेंज करनी होती है इसको क्या करते हैं, इसका लॉक करके इसको तो इसको ऐसे ऐसे ज़मीन पर मारते हैं, ऐसा नहीं है, उससे भी डिस्क जो है ना डैमेज हो जाती है, टूट जाती है, ठीक है, वो थिकनेस रहती नहीं उसकी, ठीक है, वो कैपेसिटी भी नहीं रहती। इसकी की है वो आपके पास होनी चाहिए, की से खोलो, खोल के इसको डिस्क को आप अच्छी तरह टाइट करके फिर जो है ना दोबारा से काम स्टार्ट कर लो, ठीक है। डिस्क को क्या है, ज़मीन पे नहीं मारना, जो एक प्रोसीजर बताया गया है उसी प्रोसीजर को फॉलो कर, ठीक है। ये चीज़ें क्या है, किसके लिए इस्तेमाल होती हैं, कटिंग और ग्राइंडर के लिए, ये पावर मशीनरी है, पावर टूल है और इंतहाई ख़तरनाक टूल है, ठीक है, इसको बड़ा कॉन्शियस होके और हेल्दी बंदा चला सकता है। हाँ ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है, देख ये आंखों के यानी के सामने देखने के हाल है, इसके आरपीएम कम नहीं होते, इसके आरपीएम 8500 6500 आरपीएम एक मिनट में 6500 चक्कर लेना, समझो तो सही, आप जोर जोर से एक मिनट में गिनती गिनो तो बड़ी मुश्किल से कुछ जो है ना 100 तक पहुंचोगे, ठीक है। और ये क्या है, ये 6500 आरपीएम मुकम्मल करता है एक मिनट में, तो मैं कहता हूँ ये इस ग्राइंडर की डिस्क जब टूटती है ना तो इस तरह की कंक्रीट की दीवार इसके सामने कुछ नहीं है, क्रॉस कर जाती है, बंदा तो कोई चीज़ भी नहीं है, तो इसलिए अपने सेफ्टी प्रोटोकॉल और इन चीज़ों को आपने मेक श्योर करना है, मेक श्योर करना है और अच्छे तरीके से ही इनको आपने यूज़ करना है, ठीक है। ये चीज़ें क्या हैं, आपके लिए हैं, आपके काम करने के लिए हैं, आपके फ़ायदेमंद हैं, अगर इनको अच्छे से यूज़ नहीं करें यही चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह बन जाएं।